हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद प्रकाश शुंगवार स्वागत करता हूँ आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयत यानी कि रेक्टेंगल के लिए। और रेक्टेंगल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा ले लीजिए, कॉन्स्टेबल SI की परीक्षा ले लीजिए, NTPC CVT 2 एग्जाम ले लीजिए, सुपरटेंडेंट लेखपाल और कॉन्स्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और रेक्टेंगल से संबंधित जो भी प्रश्न है, जैसे क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, इसके परिवृत्त की त्रिज्या हो गया, इन सारी चीजों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को देखिएगा जरूर। चाहे अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको जितनी भी वीडियो से संबंधित है जो पढ़ने वाली है। आयत के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खेत का परिमाप निकालना, यानी कि चाहे वो आयताकार खेत हो या वर्गाकार खेत हो या किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, उन सारे खेतों का परिमाप, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम समझते हैं आयत होता क्या है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। सबसे पहली चीज कि आयत जो होता है वो चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज में चार भुजाएं तो होती ही है, तो इसलिए आयत में भी चार भुजाएं होती हैं। इसका नाम रख दिया हमने A, B, C और D, ठीक है। ये वाली भुजा हमारी कहलाती है लंबाई इसकी, ठीक, जिसे हम लोग L कहते हैं, L से इंडिकेट करते हैं। और ये वाली भुजा इसकी कहलाती है चौड़ाई, जिसे हम लोग B से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब लंबाई के सामने वाली भुजा ये भी लंबाई होगी, और चौड़ाई के सामने वाली भुजा ये भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चार भुजाएं हो गई। दूसरी पहचान इसकी ये है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक। और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, क्योंकि अगर ये समांतर नहीं होंगी तो फिर कहीं आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90° का होता है। तो चार कोण हो गए इसमें, एक ये 90° हो गया, दूसरा भी 90° हो गया, तीसरा भी 90° हो गया और चौथा भी 90° हो गया। इस तरीके से चार कोण होते हैं और चारों जो है 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो आयत के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 360। ये सबसे जरूरी चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि आयत में चार कोण होते हैं, चारों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360°, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एक पूछेंगे कि आयत में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो अगर हम इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें, ये तो ये वाली भुजा ये कहलाती है विकर्ण। तो जो विकर्णवत होती है वह भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, जिसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। और आयत में अधिकतम दो विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो विकर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज ये है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ये और ये चारों दूरियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और बराबर दूरी पे काटते हैं, और देखिए एक ये त्रिभुज बन गया इस तरह से, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज बन गया इस तरह से, तो दो त्रिभुज इसमें बन गए, ठीक। एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा उधर हो गया। अगर हम इसमें से इस पूरी आकृति का यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर हम लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दें तो हम इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L गुणा V हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। और जो भी क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई का मतलब है कि हम दो बार, एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई, तो इकाई ये, इकाई ये, इकाई इकाई की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब परिमाप की बात करते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है, परि मीन्स होता है चारों तरफ, माप मीन्स माप।
यानी कि इस आकृति की चारों तरफ की माप वही कहलाती है परिमाप। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हमने आयत बनाया है, तो आयत में अगर यहां से चले ये 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 और ये चारों भुजाओं को जोड़ लें, तो ये वाली है एल, ये है बी, ये है एल और ये है बी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए ये वाली भी तो ये वाली भी, ये वाली एल तो ये वाली एल, ठीक है। तो एल प्लस एल हम जोड़ेंगे तो एल प्लस एल, और वी प्लस वी तो प्लस का हो जाएगा वी प्लस वी, यानी कि 2L हो गया, तो 2L प्लस 2B, ठीक है, क्योंकि 2B है तो 2L प्लस 2B, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे अंदर हो जाएगा L प्लस B, यही कहलाएगा इसका आयत का परिमाप, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुणा L प्लस B, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कहलाएगा आयत का परिमाप, ठीक है। अगर हम इस परिमाप से इसका अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है, यानी कि अर्ध परिमाप को हम यस से इंडिकेट करते हैं, तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस वी, यानी कि एल प्लस वी, ठीक है, पहली भुजा और दूसरी भुजा, तो ए प्लस वी ना लिख के सीधे हम इसे लिखेंगे एल प्लस वी, ये कहलाएगा आयत का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप मैंने क्यों बताया आपको, अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में अर्ध परिमाप का बहुत ज्यादा काम रहेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व ट्रिक में करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं विकर्ण के लिए, अगर हम इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमारे लिए, तो हमने ये वाली भुजा इस भुजा से मिला दी, इस कॉर्नर से देखो ये विकर्ण बन गया विकर्ण, और अगर हम इतनी आकृति को मिटा दें, इस आकृति को मिटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज में देखिए ये 90 अंश है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब है, ये आधार है, और ये हो गया कर्ण, तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट, सॉरी कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लंब को लिख सकते हैं हम, देखिए लंब यहां पे बी है, आधार है एल, यानी कि ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कहलाता है कर्ण, यानी कि विकर्ण, यही विकर्ण है। देखो ये हमारा आयत था, तो इस आयत के लिए क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यानी कि हम इसे कह सकते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये कहलाता है विकर्ण, ठीक है। अब बात करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या की, अगर अब हम इस आयत के देखिए थोड़ा सा बता देते हैं किस तरीके से चित्र बनेगा आपका, ये हमने आयत बनाया, ठीक। अब इस आयत के परिवृत्त मतलब होता है इसके चारों तरफ, अब इस आयत के चारों तरफ एक वृत्त बनाना है हमारे लिए, तो आयत के चारों तरफ जब भी वृत्त बनेगा तो किस तरह से बनेगा, ऐसे, ये कहलाएगा इसका परिवृत्त, और इस परिवृत्त की अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमें इसका विकर्ण पता होना चाहिए इस तरह से। अब इसका जो सेंटर बिंदु होगा, यानी कि केंद्र बिंदु जो होगा, वो कहीं ना कहीं इस विकर्ण पर स्थित होगा, ठीक है, ये कहलाएगा, ये कहलाएगी इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है ये, तो हमें इस विकर्ण का आधा करना पड़ेगा,
विकर्ण का आधा करेंगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी एक बट्टा दो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक, एक बटा दो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कहलाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये आपके चार फार्मूले हो गए, क्षेत्रफल एल गुणा वी, ठीक है, परिमाप हो गया दो गुणा एल प्लस वी, विकर्ण हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परिवृत्त की त्रिज्या होगी एक बटे दो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और सभी विकर्णों की, दोनों विकर्णों की जो लंबाइयां होती वो भी बराबर होती है, बराबर हिस्सों में एक दूसरे को विभाजित करते हैं, और इसके अंतः गुणों का योगफल जो होता है वो होता है 360 अंश। ठीक है, चार भुजाए हैं, चार नियम 36 हो गया, प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, यानी कि टोटल हो गया 360 अंश। चलिए हम लोग प्रश्नों पे पहुंचते हैं, इसे नोट करिए इतना। अब देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 सेंटीमीटर। एक आयत दिया है जिसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दोनों चीजें दे दी उन्होंने। कहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि एरिया हमें निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्षेत्रफल बताना है। लंबाई 8 है और चौड़ाई है 10, सॉरी लंबाई 10 है, चौड़ाई है 8। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की गुणा करनी है चौड़ाई से, यानी कि 10 गुणा 8 और 10 अट्ठे हो गया 80 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान है सवाल। अगर हम कहें कि इसी प्रश्न में अगर वो दूसरी चीज पूछ लेता, कहता कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, कहता कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, फिर हम क्या करते हैं। तो देखो ये हमारा आयत है, एक छोटी सी डिजाइन बना लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं, ये लंबाई है इसमें 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा कि अगर आप फार्मूला भूल जाए, बगैर फार्मूले के आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। देखिए आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो ये 10 है तो ये सामने वाली भी 10 हो जाएगी, ये 8 है तो इधर वाली भी 8 हो जाएगी। तो अगर हम परिमाप इसका ज्ञात करना चाहते हैं, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप, ठीक है, तो ये वाली 10 हो गई, यहां से चले 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 8 हो गए 36। ठीक, अब देखो 10 और 10 20, 8 और 8 16, तो किसी भी तरह से आप लोग जोड़ दीजिए, आना वही है 10 10 20 और 8 8 16, 20 और 16 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर, यही हमारा इसका परिमाप है। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी भूल जाए, फार्मूला विजिट करना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे। अगर फार्मूला विजिट करना चाहते हैं तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई कितनी है, यहाँ पे 10 है, चौड़ाई कितनी है 8 है, तो ये हो गया 2 गुणा 10 और 8 कितने हो गए 18, और 18 दूनी कितने होते हैं 36 सेंटीमीटर। तो आपको हल करेंगे तब एक दो तीन लाइनों में जा रहा है, नहीं हल कर रहा है तो एक लाइन में ही खत्म हो जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप प्रश्नों को आसानी से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि आयत का जो परिमाप हमें ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करने के लिए चारों तरफ की माप यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, वही क्या कहलाएगा, उसका परिमाप कहलाएगा। तो पहली भुजा 10 है, उसके सामने की भी भुजा 10 ही होगी, यानी कि 10 और 10 20 हो गया, और दूसरी भुजा 8 है तो उसके सामने की भी भुजा 8 होगी, 8 और 8 हो गया 16, 16 और 20 कितना हो गया टोटल 36, यही 36 का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक आयत का परिमाप और लंबाई दी हुई है 40 और 12। देखो आयत का परिमाप, परिमाप दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है, और दूसरी चीज उसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई दी है उन्होंने 12 मीटर। ठीक, परिमाप दे दिया 40 मीटर, लंबाई दे दी 12 मीटर, और कहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए ये कितनी होगी। प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो देखो परिमाप हमारा दे दिया इन्होंने 40, तो हमने परिमाप नोट कर लिया कि 40 मीटर हमारा परिमाप है। और मैंने कहा जब आपको
देखिए इसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है तो परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं की माप होती है। तो मैंने आपको अर्ध परिमाप भी ज्ञात करना बताया था। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप हो गया 20 मीटर। और अर्ध परिमाप में दो ही चीजें होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। परिमाप में चारों होती है, चारों तरफ की माप, मतलब दो बार लंबाई दो बार चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप में दो ही चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलाकर कितनी है, 20 है। तो इसमें लंबाई इन्होंने दे दी 12, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई देख लीजिए हमारी कितनी हो जाएगी भाई। इस दो परिमाप में दो चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई हमारी 12, तो चौड़ाई निकाल लेंगे, यानी कि 20 में से अगर हम इसकी 12 जो लंबाई है वो घटा दें तो जो 8 सेंटीमीटर आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी, सॉरी मीटर, 8 मीटर हो गया ये। ठीक, यही हमारी क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो परिमाप से अर्ध परिमाप बनाया, अर्ध परिमाप से चौड़ाई घटा दी जो बची वही क्या है, सॉरी लंबाई घटा दी जो बचा वही क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो प्रश्न को हम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक आयत का जो विकर्ण है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो लंबाई है वो दे दी है उन्होंने 20 सेंटीमीटर। एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी विकर्ण है 25, लंबाई है 20, और कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एरिया ज्ञात कीजिए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल इसका, तो दो चीजें हैं इसकी, या तो आप एक छोटा सा चित्र बना लीजिए अपनी परीक्षा में जब भी सवाल आए इस तरीके से, और चाहे तो आप मौखिक ही समझ लीजिए उसके लिए। तो उन्होंने कहा विकर्ण जो 25 सेंटीमीटर है, इस तरीके से जो विकर्ण बनता है इसकी लंबाई उन्होंने दी 25 सेंटीमीटर, ठीक, और जो लंबाई है हमारी वो है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल गुणा बी। तो एल तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर, पर बी का मान हमें नहीं पता है कितना है। तो बी का हम जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका बी का मान निकालिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है विकर्ण का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब विकर्ण दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, लंब हमें ये निकालना है जिसे बी कहते हैं, तो बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब 20 दे दिया, तो 20 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर 25 होता है 625, 20 स्क्वायर को ऐसे ही नोट करेंगे, 20 विषम होता है 400, ठीक। तो 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 में से ये 400 घट जाएंगे भाई, 400 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 625 में से 400 घट जाएंगे, तो 20 स्क्वायर बराबर हो गया 225, तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी बराबर आ जाएगा 225 का मान होता है 15 सेंटीमीटर, 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, 15 225, यानी कि इसकी जो चौड़ाई आ गई वो आ गई 15 सेंटीमीटर, ये आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि एल गुणा बी, तो 20 गुणा 15 हो गया ये 20 गुणा 15, और 15 दूनी होता है 30, यानी कि 300 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालते समय, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके का चित्र ही बनाएं, अगर आप चित्र नहीं बनाते तब भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये इन्होंने विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग विकर्ण हम जानते ही हैं कि विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चीज वही है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब विकर्ण का मान है 25, तो 25 बराबर हो गया अंडर रूट, एल का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट जब हटाएंगे तो इधर वर्क करेंगे, यानी कि इस पूरे का हम वर्क करें, तो वर्क करने पर क्या होगा, 25 25 हो जाएगा 625, और 20 विषम हो जाएगा 400 प्लस बी का स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा। अब 625 में से इस 625 में से ये 400 घट जाएंगे, तो बी स्क्वायर बराबर बचेगा 225, यानी कि बी बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर।
चौड़ाई आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है तो वही काम करेंगे जो यहाँ किया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर एल गुणा बी, एल गुणा बी यानी कि 20 गुणा 15 और 15 दूनी 30 यानी कि हो गया 300 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहते हैं। प्रश्नों को समझते चलिए, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन सही है सारे और उसी बुक से उठाए हैं जहां से परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपके ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो 3:2 है, ठीक है, और खेत का जो परिमाप दिया है उन्होंने वो 100 मीटर दे दिया। कह रहे हैं उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए कि खेत की लंबाई कितनी होगी। एक बहुत बड़ा खेत है हमारा जिसका अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई दे दिया है उन्होंने 3:2, ठीक है, और इसका जो परिमाप है, परिमाप वो दे दिया है उन्होंने 100 मीटर। हमने आपसे कहा था जब भी लंबाई और चौड़ाई की बात हो तो जहां भी परिमाप दिया हुआ हो वहां उसका तुरंत अर्ध परिमाप निकाल लेना। तो इसका अगर इसी प्रश्न का अगर हम अर्ध परिमाप ज्ञात करें तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा 50 मीटर। और जो अर्ध परिमाप होता है उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है यानी कि एल प्लस वी। अगर हम इसको 3x मान लें और इसको मान लें हम 2x, ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5x हो गए, यानी कि 3 प्लस 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर यहाँ पे दी हुई है 50 मीटर। तो हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और प्लस 2 यानी कि 3x प्लस 2x बराबर हो गया 50, 3 और 2 5, 5x बराबर हो गया 50, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 10 = 50, x बराबर 10 आ गया, ठीक। जब x बराबर 10 आ गया पूछा है हमसे उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, और लंबाई यहाँ पे है हमारी देखो 3x, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 3 × x की वैल्यू है 10, तो 3 × 10 हो गई 30 मीटर, ठीक। अगर यही सवाल में कहता कि चौड़ाई कितनी होगी तो बच्चा 2 × 10 2 × 10 कितना हो जाता 20। यही भी अगर पूछ लेता वो क्षेत्रफल कितना होगा तो हम पहले लंबाई निकाल लेते 30, चौड़ाई यहां से हो जाती 2 × 10 यानी कि 20, और हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो हम करते एल गुणा बी यानी कि 30 × 20 और 20 यहाँ होते हैं 60 यानी कि 600, तब ये क्षेत्रफल जो हो जाता वो हो जाता 600 वर्ग मीटर। तो प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हमने पहले परिमाप दिया था 100 मीटर, उसका निकाल लिया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो गया 50 मीटर, और अर्ध परिमाप में दो ही चीजें होती है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई यहाँ दी है 3:2 में 3x हो गया, चौड़ाई होगी 2x यानी कि 3x + 2x बराबर 50, 5x = 50, x = हो गया 10, 5 × 50, तो 3x में इसकी वैल्यू ऑफ दी यानी कि लंबाई बराबर आ गई 30 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। प्रश्नों को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के लिए वर्ग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खेत का क्षेत्रफल, और वर्ग और खेत दोनों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सब कंप्लीट कराएंगे, बशर्ते आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।